इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाजरीन आदाब, इत्तेहाद न्यूज़ की खसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है, जिसमें हम सच आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करते हैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के उन्वान पर। हमारे देश में राष्ट्रवाद यानी हुब्बे वतनी या वतन से मोहब्बत को किसी मज़हब में माँ का दर्जा दिया जाता है तो किसी मज़हब में ईमान का हिस्सा माना जाता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ लोग राष्ट्रवाद को बस अपने मतलब के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको राष्ट्रवाद का ठीक तरह से मतलब भी पता नहीं है, वो लोग भी राष्ट्रवाद की दुहाई दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि राष्ट्रवाद है क्या? क्या सही मानों में पालन हो रहा है, या बस लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं? राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म या वतन से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि देश के साथ पूरी ईमानदारी बरती जाए, अवाम के साथ पूरी ईमानदारी बरती जाए। देश तो बनता है अवाम से, चाहे वो किसी भी समाज और मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हों। अवाम की खिदमत और अवाम की भलाई के काम करना ही असल राष्ट्रवाद की मिसाल है। ये जिम्मेदारी उन लोगों पर ज़्यादा आयद होती है जो सियासतदान या अवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। लेकिन अफसोस, हम अपने अतराफ में देख ले तो पता चलता है कि क्या वाकई अवामी नुमाइंदे और गवर्नमेंट सर्वेंट्स या गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स सही मानों में अवाम की खिदमत करके अपने राष्ट्रवाद या नेशनलिस्ट होने का सबूत दे रहे हैं? क्या ये लोग सही मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अवाम और देश की खिदमत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये घोटाले, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, एमएलएस की खरीद व फरोख्त, पैसा देकर वोट लेना और पैसा लेकर वोट देना और इन जैसे कई बुराइयों का इर्तिकाब क्यों, जो ना तो देश के लिए सही है ना तो देश की अवाम के लिए सही है? क्या इन लोगों को इन बुराइयों का इर्तिकाब करते वक्त, इन बुराइयों को करते वक्त राष्ट्रवादी नहीं याद आता? और तो और, ये लोग माल और दौलत और इक्तदार की हवस में बुराइयों में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि ये लोग ये भी नहीं देखते कि इनकी इस गंदी हरकत की वजह से देश और देश की अवाम को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। ये लोग कसमें तो देश के संविधान और देश की अस्मिता की और रक्षा की खाते हैं, पर काम तो देशद्रोह और देश की इज्जत पामाल करने के करते हैं। ये लोग पैसों के खातिर गरीबों पर जुल्म करने में जर्रा बराबर भी झिझकते नहीं। कई एक मामले हमने देखे हैं कि कुछ एक लैंड माफिया दौलत और दबंगई की बुनियाद पर गरीबों की जमीनों पर जबरन कब्जा करते हैं और इस काम में अवामी नुमाइंदों का और सरकारी मुलाजिमों का, ब्यूरोक्रेट्स का बाखदा ताउन और मदद रहती है। क्या इस तरह की नाइंसाफी राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इजाजत देता है? अगर हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो इंसाफ, ईमानदारी और अवाम की भलाई के काम क्यों नहीं करते? राष्ट्रवाद तो राजधर्म के पालन की बात करता है। क्या वाकई हकीकत में देश में राजधर्म का पालन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ये कैसा राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद अवाम की भलाई और देश की भलाई के काम के बगैर राष्ट्रवाद होता, बल्कि ये तो फर्जी राष्ट्रवाद होता है जो देश और देश की अवाम के लिए बड़ा खतरनाक होता है, जिसे हर भारतीय को समझने की जरूरत है, वरना बखौले अलमा इकबाल,
ना समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इतिहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।